हेलो गाइस, नमस्कार। मैं आपको तो जादू सरकार और टेक्निकल चेस में आप सभी लोग का एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अमेजन का एक हिडन ऑफर के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें दोस्तों आप लोगों को पर अमेजन अकाउंट अप टू 70 रुपीज का कैशबैक मिल जाएगा। जी हाँ, लगभग 70 रुपीज का प्रॉफिट आप सब लोगों को पर अमेजन अकाउंट पर मिल जाएगा। तो आप सब लोग वीडियो को इन तक जरूर देखिए, फुल प्रोसेस मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने तरफ से एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या पर टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर सर्च करो टेक्निकल जेस, उसके बाद आप लोग ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि टेलीग्राम पर आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे ऑफर मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये ऑफर है अमेजन और पेयू की तरफ से। मैं आप लोगों को ऑफर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप सब लोग जाके इस ऑफर का टर्म्स एंड कंडीशन एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और ये ऑफर अभी सभी के अकाउंट पे अप्लाई हो रहा है, ऑल यूजर के लिए, ऑल अकाउंट के लिए ये ऑफर अभी अवेलेबल है। ठीक है, तो देखो दोस्तों ऑफर क्या है कि अगर आप लोग अमेजन वॉलेट बैलेंस से पेयू की वेबसाइट में, पेयू एक मतलब पेमेंट गेटवे होता है, तो जाके पेमेंट करोगे मिनिमम 100 रुपीज़ या पर उससे ज़्यादा का, तो उसके लिए आप लोगों को अमेजन पे बैलेंस पे 5 रुपीज़ से लेकर आप टू 100 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाएगा। ठीक है, और इस ऑफर को आप लोग टोटल 12 बार अप्लाई कर सकते हो, और ये ऑफर 1 जुलाई से लेकर या पर 31 जुलाई तक चलेगा। अब देखो गाइस, इस ऑफर को हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे। देखो, इसके लिए मैं आप लोगों को एक वेबसाइट प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें आप लोगों को करना क्या होगा कि उस वेबसाइट में जाके आप लोग अमेजन गिफ्ट वाउचर बाय करना 100 रुपीज़ का, और इसके बाद आप लोग अमेजन पे बैलेंस से मतलब कि वॉलेट बैलेंस से पेमेंट करना। तो इसके लिए आप लोगों को ये ऑफर अप्लाई होगा और आप लोगों को अमेजन पे कैशबैक मिल जाएगा, और उसके बाद वो जो आप 100 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर बाय करोगे वो आप फिर से अपने अमेजन पे बैलेंस पे जाके ऐड कर पाओगे। मतलब कि क्या कर रहे हैं कि अमेजन पे बैलेंस को यूज़ कर रहे हैं, इसके बाद फिर से उसी बैलेंस को अमेजन पे बैलेंस पे ऐड कर देंगे और उसके लिए कैशबैक मिल जाएगा। ठीक है, और इसे हम लोग टोटल 12 बार अप्लाई करेंगे। तो गाइस, उस वेबसाइट का नाम है NCRPay। मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आपको सिंपली लिंक पर क्लिक करना है। इसके बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर आपको अकाउंट बनाना है, तो यूजर ऑप्शन सेलेक्ट करो, इसके बाद साइन अप पर क्लिक करो। इसके बाद यहाँ पर आप अपना नाम, जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ डाल के एक अकाउंट क्रिएट कर लो। ठीक है, तो जैसे आप डिटेल्स डाल के यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करोगे, इसके बाद आपके नंबर पर एक OTP आएगा, OTP डाल के उसे वेरीफाई कर लो। इसके बाद यहाँ पर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और कुछ इस टाइप का होम इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे देखो आप लोग को एक IP मॉल का ऑप्शन देखने को मिलता है, उसमें आपको सिंपली क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आप सेविंग कार्ड्स पर क्लिक कर दो। जैसे ही आप सेविंग कार्ड्स पर क्लिक करोगे, इस वेबसाइट में आप लोगों को अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और भी बहुत सारे गिफ्ट कार्ड देखने को मिल जाएगा। तो हम लोग को अमेजन गिफ्ट वाउचर बाय करना है, तो उसके लिए आप अमेजन गिफ्ट वाउचर को सिलेक्ट करो। इसके बाद यहाँ पर आप अमाउंट पे 100 रुपीज़ डाल दो। 100 रुपीज़ डालने के बाद आपको समरी नीचे दिख जाएगा। इसके बाद आप टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके सबमिट करो। सबमिट करने के बाद पेमेंट पेज पे आ जाओगे। पेमेंट पेज पे आप वॉलेट ऑप्शन को चूज करो, और इसके बाद आपको अमेजन पे बैलेंस ऑप्शन दिख जाएगा। आप सिंपली उस पर क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक कर दो। इसके बाद ये आपको अमेजन पे बैलेंस अकाउंट पे लॉगिन होने के लिए बोलेगा, तो आपके अमेजन अकाउंट पे लॉगिन हो जाओ। और जैसे ही लॉगिन हो जाते हो, यहाँ पर आपको अमेजन वॉलेट बैलेंस से पेमेंट करना होगा, याद रखना। ठीक है, तो ये वॉलेट बैलेंस आ जाएगा, और इसके बाद ऊपर देखो ऑफर भी सक्सेसफुल अप्लाई हो चुका है कि आपको पेमेंट करने के लिए आप टू 100 रुपीज़ का कैशबैक मिलने वाला है। ठीक है, 5 से लेकर अप टू 100 रुपीज़। तो सिंपली आप इसे पेमेंट कर दो। जैसे आप पेमेंट सक्सेसफुल कर दे, तो इसके बाद आपका गिफ्ट वाउचर सक्सेसफुली परचेस हो जाएगा। और इसके बाद वेबसाइट पे देखो, आपको ऊपर सेविंग कार्ड्स का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उसमें क्लिक करो। इसके बाद ये जो आपका अमेजन गिफ्ट वाउचर है वो देखने को मिल जाएगा, और एक आई का सिंबल देखने को मिलेगा। आप सिंपली जैसे ही उस पर क्लिक करोगे, ये वाउचर का जो कोड है वो आप लोगों को मिल जाएगा, उसे आप कॉपी कर लो। इसके बाद आप आ जाओ अमेजन पे बैलेंस पे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कैशबैक दिखा देता हूं। तो यहाँ पर देखो, मेरे अकाउंट पे 6 रुपीज़ का कैशबैक मिल चुका है फर्स्ट पेमेंट करने के लिए। ठीक है, और इसके बाद ये जो गिफ्ट वाउचर है वो आप ऐड गिफ्ट वाउचर वाले सेक्शन पे जाके कोड को अप्लाई करो, वो 100 रुपीज़ आपके अमेजन पे बैलेंस पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ 1 रुपीज़ का चार्ज लगता है। तो आपने 100 रुपीज़ का पेमेंट किया, फिर से 100 रुपीज़ गिफ्ट वाउचर का आपने उसी अकाउंट पे ऐड कर लिया। आप दूसरे अकाउंट पे भी ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके लिए 6 रुपीज़ का फर्स्ट पेमेंट के लिए 5 से लेकर 100 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा। तो यहाँ पर मुझे 6 रुपीज़ मिला है और 1 रुपीज़ का चार्ज, तो मतलब कि फर्स्ट पेमेंट करने के लिए 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हो चुका है। तो इसी तरह से आप लोग इसे 12 बार अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए मैं आप लोगों को दूसरे बार भी करके दिखाता हूँ। तो बिल्कुल उसी तरह से आपको फिर से वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद अमेजन गिफ्ट वाउचर को सिलेक्ट करना है, अमाउंट पे 100 रुपीज़ डालो, समरी को देखे कंटिन्यू करो। इसके बाद पेमेंट पेज पे आप लोग अमेजन पे बैलेंस को सिलेक्ट करके प्रोसीड करना है। इसके बाद आप अमेजन वॉलेट बैलेंस से पेमेंट कर दो। ऊपर आपको ऑफर शो होता दिखेगा, देख लेना। ठीक है, जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल होता है, गिफ्ट वाउचर, यहाँ पर आप सेविंग कार्ड्स पे जाओ, आपको दूसरा गिफ्ट वाउचर भी देखने को मिल जाएगा। आई के सिंबल पे क्लिक करो, गिफ्ट कोड को कॉपी करो। इसके बाद आप अमेजन पे बैलेंस पे आ जाओ। पेमेंट आपने कर दिया है, उसके लिए आप लोगों को कैशबैक मिल चुका है अमेजन पे बैलेंस पे। और ये जो गिफ्ट वाउचर है, इसे भी आप ऐड कर लो, गिफ्ट वाउचर वाले सेक्शन पे जाकर कोड को अप्लाई करो, और उसके बाद ये 100 रुपीज़ फिर से ऐड हो जाएगा। और उसके बाद दूसरे बार पेमेंट के लिए भी मुझे टोटल 6 रुपीज़ का कैशबैक मिल चुका है। तो इसी तरह से ज़्यादातर 6 रुपीज़ का ही कैशबैक मिलेगा। एक बार हो सकता है कि आपको मैक्सिमम कैशबैक मिले, मैंने काफ़ी सारे अकाउंट पे ट्राई किया, तो एक बार मैक्सिमम कैशबैक मिलता है। तो चलिए मैं टोटल 12 बार इसे ट्राई कर लेता हूँ, इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो जैसे कि गाइस, यहाँ पर मैंने टोटल 12 टाइम इस ऑफर को अप्लाई कर लिया है, देखो यहाँ पर, और सभी गिफ्ट वाउचर को मैंने उसी अकाउंट पर ऐड कर लिया। आप दूसरे अकाउंट पर भी ऐड कर सकते हो। इस ऑफर से एक चीज़ हो रहा है,
कि अगर आप लोग एक अमेजन पे बैलेंस के अकाउंट को मतलब कि बैलेंस को दूसरे अकाउंट पे ट्रांसफर करना चाहते हो तो इस प्रोसेस से कर सकते हो, ठीक है। गिफ्ट वाउचर जब बाय करोगे दूसरे अकाउंट पे भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने टोटल 12 बार अप्लाई कर लिया है और उसके लिए मुझे यहाँ पर कैशबैक वाले सेक्शन में जाकर दिखाता हूँ। तो देखो मुझे ज़्यादातर अमाउंट यहाँ पर 6 रुपीज़ 5 रुपीज़ ही मिला है, लेकिन वन टाइम मुझे यहाँ पर टोटल 25 रुपीज़ का कैशबैक मिल चुका है, ठीक है। और मैंने जब यहाँ पर हिसाब लगाया तो यहाँ पर देख सकते हो कि एक बार मुझे 25 रुपीज़ का कैशबैक मिला, तो यहाँ पर एक बार मैंने दो तीन अकाउंट पर ट्राई किया तो वन टाइम जो है वो ज़्यादा कैशबैक मिल रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर हिसाब लगाया 12 बार पेमेंट करने के लिए मुझे टोटल 87 रुपीज़ का कैशबैक मिल चुका है, और क्योंकि 12 ट्रांजेक्शन किया है और पर ट्रांजेक्शन 1 रुपीज़ का चार्ज लगता है, तो 12 रुपीज़ अगर माइनस कर देता हूँ तो फिर भी मुझे यहाँ पर टोटल 75 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है एक अकाउंट पर। तो इसी तरह से आपके पास जितने भी अकाउंट है पर अकाउंट मिनिमम 70-65 रुपीज़ तो आराम से प्रॉफिट हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आपको कितना कैशबैक मिलता है। मिनिमम 5 रुपीज़ तो हर पेमेंट के लिए मिलेगा और मैक्सिमम 100 रुपीज़ तक मिल सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपके पास जितने भी अमेजन का अकाउंट है आप जाके इस ऑफर को अप्लाई कर सकते हो। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर मैं वीडियो डालूंगा तो उसके बाद बहुत सारे लोग एक बार में जाके वेबसाइट में गिफ्ट वाउचर बाय करेंगे, तो हो सकता है कि गिफ्ट वाउचर मिलने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ अभी तो इंस्टेंट मिल रहा है, बहुत सारे लोग एक साथ जाके अप्लाई करेंगे। तो आप लोग अलग अलग टाइम पर ट्राई करना, क्योंकि ऑफर 31 जुलाई तक चलेगा, बहुत दिन तक टाइम है, तो अलग अलग टाइम पर ट्राई करना ताकि ज़्यादा प्रेशर ट्रैफिक ना हो ज़्यादा, ठीक है। उसी के साथ दोस्तों अगर इस ऑफर के रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है वो आप लोगों को टेलीग्राम पे मिलेगा, तो मेक श्योर कि आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइंट हो जाओ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, यहाँ पर टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर सर्च करना टेक्निकल जेएस, उसके बाद आप ज्वाइंट हो जाओ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड टेक केयर।